हेलो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विजयवाड़ा फायर एक्सीडेंट। एक फायर इंसिडेंट हुआ है विजयवाड़ा में, और जो ये इंसिडेंट था विजयवाड़ा, पहले जानते हैं कहाँ है विजयवाड़ा। जो है वो आंध्र प्रदेश स्टेट में है विजयवाड़ा, ये एक जगह का नाम है और इसका बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल महत्व है इस जगह का। काफ़ी एग्ज़ाम्स में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो विजयवाड़ा के रिगार्डिंग है। तो ये सुबह सुबह इंसिडेंट हुआ है। ये जो इंसिडेंट का जो टाइमिंग था, पहले वो देखते हैं क्या टाइमिंग है और क्या क्या इसके हाइलाइट्स हैं इस इंसिडेंट के, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो हाइलाइट है, ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ है 5 बजे सुबह मॉर्निंग में, ये इंसिडेंट हुआ है 5 AM। और ये जो इंसिडेंट जो हुआ है वो एक हॉस्पिटल में हुआ है, राइट? ये एक्चुअली ये हॉस्पिटल नहीं था, ये एक होटल था जिसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था, और हॉस्पिटल ने उसको लीज पे लिया था COVID-19 पेशेंट को रखने के लिए, राइट? सो इस हॉस्पिटल में 5 बजे इसका इंसिडेंट हुआ है, और इसमें जो पेशेंट की जो संख्या थी वो 30 थी, राइट? और 10 जो थे वो स्टाफ थे यहाँ पे। तो ये तो गए स्टेट्स। अब ये घटना हुई कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। इस घटना जो अभी तक पुलिस ने जो इसको जांच इन्वेस्टिगेशन की है उसके हिसाब से जो ये घटना हुई है वो हुई है कि जो होटल था उसके फ्लोर डिवाइडेड थे, और जो नीचे वाला जो फ्लोर था उस पे एसी एयर कंडीशनर था। तो इसमें कहते हैं इसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये इंसिडेंट हुआ है, शॉर्ट सर्किट हो गया था इसमें। तो उससे क्या हुआ, आग फैल गई, और धीरे धीरे जैसे आग फैली तो वहाँ पे जो भगदड़ मच गई पेशेंट के बीच में, वो अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागे, कुछ तो छत से ही जो थे वो कूद गए, तो उनमें भी काफ़ी डेथ हुई है उनमें भी, राइट? सो जो अभी तक की आंकड़ा है उसके हिसाब से 7 जो है वो डेड हुए हैं, 7 पेशेंट, राइट? और कई घायल भी हुए हैं साथ में जो कूदे थे ऊपर छत से, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी चल ही रही है, और बाकी जो भी 30 में से 7 एंड 23 पेशेंट है उनको निकाला जा रहा है अस्पताल से। तो बहुत ही ये ट्रेजिक घटना है, और इसके लिए अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो उस पैमाने पे होना चाहिए कि जो भी फायर रेगुलेशन जो होता है कंपनीज में या हॉस्पिटल में या होटल में वो फॉलो थी या नहीं थी, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जो भी पैरामीटर्स है फायर के जो गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाए हैं वो सही से हॉस्पिटल ने फॉलो किया है या नहीं, राइट? सो इसके आधार पे हमें इस दुर्घटना का जो भी इसका कारण होगा उसको सजा, या तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो या होटल स्टाफ हो, कोई भी हो, किस हिसाब से हुआ, ये नेचुरल कोई घटना है तो इस वजह से इसका लास्ट में रिजल्ट निकलेगा। पर इस फैटलिटी से कई लोगों का विश्वास उठ जाता है हॉस्पिटल या होटल से या रेस्टोरेंट से, बिकॉज कि उनका जो भी सरकार ने पैरामीटर तय किया है वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये इंसिडेंट कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा आजकल बहुत ही इंसिडेंट आ रहे हैं कोरोना कोविड वार्ड में, जो हालत है कोविड वार्ड की, तो ये भी देखा गया है। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि जो वहाँ के CM हैं उन्होंने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है, इंटरफेयर किया इस मामले में, और उन्होंने भी इसकी जांच की सौंप दी है, इंक्वायरी सौंप दी है। तो सीधा CM इसमें इन्वॉल्व है, इस केस में जांच के लिए डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा, राइट? सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।